जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने अपने उत्तराधिकारी के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आइए कथा श्रवण करें। भक्तों, आपसे एक विनती है, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक राज्य में एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज करते थे। सम्राट बड़ा ही यशस्वी, दयालु, बुद्धिमान, साहसी और शांति प्रिय था। अतः राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बहुत सुख चैन से रहते थे। राजा के जीवन में केवल एक अभाव था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः सम्राट हमेशा प्रजा के लिए योग युवराज का चिंतन किया करते थे। एक दिन महाराज ने अपने सबसे विश्वस्त सलाहकार को बुलाया और पूछा, मुझे युवराज का चयन करना है, अतः मुझे वह गुण बताओ जिसके आधार पर युवराज का चयन किया जा सके। उस विद्वान सलाहकार ने कुछ सोचा और फिर कहा, महाराज, जिस व्यक्ति की पांचों इंद्रियां अपने वश में हैं तथा जो अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ है, वह हर प्रकार से युवराज के योग्य है। इसके बाद राजा और मंत्री ने मंत्रणा की और दूसरे दिन सम्राट ने राज दरबार में घोषणा कर दी कि जो कोई व्यक्ति कल मुझ तक पहुंचकर मेरा दर्शन कर लेगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। कल मेरा उद्यान सबके लिए खुला रहेगा, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। सबको मुझ तक पहुंचने में लगने वाले समय का 10 गुना समय दिया जाएगा, जो लगभग एक पहर के बराबर होगा। इस नियत समय में जो मुझ तक पहुंच जाएगा उसे युवराज बना दिया जाएगा, और जो मुझ तक नहीं पहुंच पाया उसे उद्यान से बाहर कर दिया जाएगा। हर नगर गांव गली में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सभी लोग धड़ल्ले से उद्यान में प्रवेश करने लगे। उद्यान के बाहर ही एक द्वारपाल बिठाया गया था जो प्रत्येक व्यक्ति को एक नियत नंबर का पदक देता था जिससे उनके प्रवेश समय की पहचान हो सके। सबको यह पदक अपने गले में पहनने थे ताकि राजा के व्यवस्थापक उन पर नजर रख सकें। सबके सब अपने अपने पदक पहनकर उद्यान में प्रवेश करने लगे। उद्यान में पहुंचते ही सबको सैकड़ों प्रकार की लुभावनी चीजें दिखी। प्रथम प्रवेश पर ही तरह तरह के फूलों से लदे वृक्ष थे जिनसे मनमोहक खुशबू निवृत्त हो रही थी। कुछ तो वहीं एक के बाद एक फूलों की खुशबू में आनंदित होने लगे। कुछ लोग आगे बढ़े तो तरह तरह के फूलों और मिठाइयों के भंडार पड़े थे। सभी फल इतने ताजे थे कि कोई भी उन्हें खाए बिना नहीं रह सकता था, और मिठाइयाँ भी ताजी और रसीली प्रतीत हो रही थी। इस पर भी किसी की कोई रोक टोक नहीं थी, सोने पर सुहागा हो गया। कुछ लोग फलों के आनंद में मस्त हो गए और कुछ मिठाइयों का आनंद लेने लगे। जो लोग आगे बढ़े उन्होंने देखा कि सामने कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें पड़ी हैं जिन्हें उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग देश दुनिया के कोने कोने से मंगवाई गई उन अद्भुत चीजों को देखकर आनंदित हो रहे थे। जो बचे हुए आगे बढ़े तो देखा कि सुमधुर संगीत के तान पर नृत्य गान हो रहा है, तो कुछ लोग उन राग रागनियों में रमने लगे। जो आगे बढ़े उन्होंने देखा कि छोटे छोटे राज प्रसादों में अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियां पुष्पों की शैयाओं पर उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कहा भी गया है, काम का आघात सबसे घातक होता है। उनमें से अधिकांश व्यक्ति उन स्त्रियों के साथ रमण करने चले गए। इतना कुछ देखकर अधिकांश लोग तो राजा से मिलने का लक्ष्य ही भूल गए। जो इस लोभ में लगे थे कि पहले इसको देख लूं या उसको, उनका समय खत्म होने को आ गया था। उद्यान के व्यवस्थापक के आकर लाख उन्होंने विनय करने पर भी उठाकर उनको बाहर कर दिया गया। उन सब में से एक ऐसा विरक्त वैरागी आया जिसे कोई भी इंद्रियों का आकर्षण विचलित नहीं कर पाया। जब राजा को इस बात का पता चला कि कोई व्यक्ति सीधा उनके निकट आ रहा है, तो उन्होंने अपने राज्य की सबसे सुंदर, चतुर और चालाक अप्सरा को उसके स्वागत के लिए भेजा। लेकिन उस व्यक्ति ने अप्सरा के रूप की कोई प्रशंसा नहीं की।
यहाँ तक कि नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं, केवल महाराज से मिलने की जिद ले रखी थी। अतः लज्जित होकर वह चली गई और वह व्यक्ति महाराज के पास पहुंच गया। वहीं पर उसे युवराज घोषित कर दिया गया। भक्तों, इस कथा में एक तरह से देखा जाए तो संसार के व्यवस्था का अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। यह संसार एक वाटिका है जिसका राजा परमपिता परमेश्वर है। उन्होंने सभी मनुष्यों को यह घोषणा कर रखी है कि जो कोई मनुष्य इस संसार उद्यान में आकर उनके दर्शन कर लेगा उसे युवराज बनाया जाएगा। लेकिन इस संसार वाटिका में प्रवेश करते ही अधिकांश तो अपने लक्ष्य को ही भूल गए और यहाँ इंद्रियों के विषयों में ही उलझ कर रह गए। जो एक प्रकार के विषय से बचे उनको दूसरे ने उलझा लिया। जो कोई एक योगी साधु संत वैरागी किस्म का कोई विरला व्यक्ति हुआ वो ही सभी विषयों के आकर्षण को तिलांजलि देकर उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच गया। भक्तों, हमें यह कहानी यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को सांसारिक विषयों में अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। विषय वासनाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, ईश्वर ही जीवन का चरम उद्देश्य होना चाहिए। आइए भक्तों एक और कथा श्रवण करें। भक्तों, ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो किसी भी व्यक्ति या जीव का मुख देखकर बता देता था कि वह कैसा है या उसका स्वभाव कैसा है। आइए कथा श्रवण करें। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़े के देखरेख के लिए रख लिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलवाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब यह घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए। फिर उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइश नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपने सास को बुलवाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपसे करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों से सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलवाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया। उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारे औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलवाया और पूछा, बता तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। यह रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा और बाहुबल है, यह सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। हैसियत कुछ भी हो पर सोच नहीं बदलती। भक्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया।
जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।